क्या आपने सोचा है कि अगर एक हाइना की लड़ाई एक शेर से हो जाए तो क्या हो, या अगर हाइना किसी गेंडे को अपना शिकार बना ले तो इसका अंजाम क्या होगा? जब हाइना और वार्थक की लड़ाई होगी तो जीत किसकी होगी? हाइना एक खूंखार और चालाक शिकारी है, लेकिन कभी कभी वो भी गलत जानवर से पंगा ले लेता है। आज हम आपके लिए ऐसे ही 11 मोमेंट्स लेकर आए हैं जब हाइना दूसरे जानवरों से पंगा लिया और खुद मुंह के बल गिर पड़ा। नंबर 11, हाइना मेस्ट विद वाइल्ड डॉग्स। बहुत सारे जंगली कुत्ते मिलकर अपने शिकार का मजा ले रहे हैं, लेकिन इतनी देर में वहाँ एक हाइना आ जाता है और इन कुत्तों का शिकार हथियाने की कोशिश करता है। हाइना काफी खूंखार होने के साथ बहुत होशियार भी होता है, लेकिन यहाँ जंगली कुत्तों के सामने अकेले चला जाना उसका गलत फैसला साबित हो सकता है। हाइना उन जंगली कुत्तों के बीच घुसकर उनके शिकार पर धक्का मार देता है, लेकिन जंगली कुत्ते भी कम खतरनाक नहीं होते। पर जब बात अपने शिकार के छिन जाने की हो तो वे किसी भी जानवर से लड़ने से पीछे नहीं आते। अपने शिकार को चिंता देख जंगली कुत्ते उस हाइना पर हमला कर देते। इन कुत्तों को अटैक करता देख हाइना भी चिंता में आ जाता है और पलट कर हमला करता है, लेकिन दोनों ही जानवरों का मूड शिकार को छोड़ने का नहीं होता। कभी बाजी हाइनास की पड़ लेना जाती है तो कभी जंगली कुत्तों का पलड़ा भारी हो जाता है। बहुत देर तक एक खूंखार लड़ाई लड़ने के बाद हाइना को वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ता है और शिकार फिर से जंगली कुत्तों के पास आ जाता है। नंबर 10, हाइना मेस्ट विद डंकी। यहाँ हाइना ने एक गधे को अपना शिकार बनाया है। वो उस गधे की पूंछ को अपने मुंह से पकड़े हुए अपने शिकार के आसपास घूम रहा है। वैसे तो हाइना काफी खतरनाक जानवर है और अपने से खूंखार जानवरों का भी शिकार करने से पीछे नहीं हटता, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान है कि जब गधा अपनी वाली पर आता है तो किसी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। हाइना को ऐसा लगता है कि उसने आज एक बड़ा शिकार किया है, लेकिन तभी गधा भी अपनी ताकत दिखाता है और हाइना पर हमला करना शुरू कर देता है। गधा अपने पहले ही बार हाइना की गर्दन पर हमला करता है और उसका एक कान पकड़ लेता है। गधे के शिकंजे में जैसे ही हाइना फंसता है वो उसे वहां से घसीटना शुरू कर देता है, जिसे हाइना ने अपने शिकार के लिए गधे पर हमला किया था। अब खुद उसकी जान मुश्किल में आ जाती है और वो अपनी जान छुड़ाने के लिए गधे के सामने तिलमिलाने लग जाता है। नंबर 8, हाइना मेस्ट विद बफेलो। एक हाइना को आज शिकार के लिए भैंस का एक बच्चा मिल गया है। हाइना इस बच्चे पर टूट पड़ता है और अगले ही पल उसे नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ हाइना का एक और साथी आ जाता है और अब दोनों मिलकर उस भैंस के बच्चे पर हमला करने लग जाते हैं। मगर भैंस अपने बच्चे के पास घूमते हुए खतरे को देख लेती है और उसे बचाने के लिए हाइना पर हमला बोल देती है। हाइना अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग तो जाते हैं, मगर थोड़ी दूर जाकर खड़े हो जाते हैं और बार बार अपने शिकार की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन भैंस उस बच्चे के पास से टस से मस नहीं होती और हाइना को वहां से खदेड़ने के लिए तैयार रहती है। देखते ही देखते वहां कई भैंसे दौड़ लगाकर आने लगती है और अब हाइना के लिए भी मुसीबत बढ़ती जाती है। अब हाइना भी शिकार के पास से अपनी दूरी को बढ़ाने लगते हैं और कुछ ही देर में वहां भैंसों का जमावड़ा हो जाता है और हाइना को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। नंबर 7, हाइना मेस्ट विद पाइथन। हाइना एक खूंखार जानवर होने के साथ ही काफी चालाक भी होता है, लेकिन शायद वो अजगर की ताकत से वाकिफ नहीं है, तभी तो उसका शिकार बन गया है। यहाँ एक विशाल अजगर ने एक हाइना को अपने शिकंजे में लिया हुआ है और अब वो उस हाइना को मारने की कोशिश में लगा है। अजगर पहले अपने शिकार के आसपास लिपट जाता है और फिर अपने शरीर को कसता है, जिससे उसके शिकार की मौत हो जाती है। इसके बाद अजगर अपने शिकार को निगल लेता है। यहाँ भी अजगर उस हाइना के शरीर के आसपास लिपट गया है और शिकार की जान निकल जाने का इंतजार कर रहा है। अजगर की पकड़ इतनी खतरनाक है कि कुछ ही देर में वो हाइना के शरीर को तोड़ कर रख देता है। जब उसे ये भरोसा हो जाता है कि हाइना मर चुका है तो अपना मुंह फाड़ता है और धीरे धीरे कर उसे पूरे हाइना को निगल जाता है। नंबर 6, हाइना मेस्ट विद हनी बैजर। हाइना का एक झुंड खाने की तलाश में घूम रहा होता है जहाँ उन्हें एक हनी बैजर मिल जाता है। वे उसकी तरफ तेजी से बढ़ते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। हनी बैजर वैसे तो काफी छोटा होता है, लेकिन ये किसी छोटा बम बड़ा धमाका से कम नहीं है। जब वो अपने शिकारियों को देखता है तो उनसे फिरने से पीछे नहीं रहता है। हाइना को अपने पास आते देख हनी बैजर को एहसास हो जाता है कि वो हाइना के झुंड से घिर चुका है और कभी भी उनका शिकार बन सकता है। ये सिलसिला काफी देर चलता है और कभी हाइना अपने शिकार के आसपास घूमते हैं तो कभी हनी बैजर हाइनास पर कुर्राता है, लेकिन तभी एक सही मौका देखकर हनी बैजर वहां से भाग जाता है और हाइनास की नाक के नीचे से खुद की जान बचाने में कामयाब हो जाता है। नंबर 5, हाइना मेस्ट विद राइनो। दो हाइना ने गेंडे और उसके बच्चे को घेरा हुआ है और उनके आसपास घूमते हुए उन पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गेंडे का साइज और उसकी हिम्मत के आगे उनका हौसला पस्त हो रहा है, क्योंकि गेंडा अपने बच्चे को बचाने के लिए हाइनास का सामना करने से पीछे नहीं हट रहा है। हाइना खूंखार होते हैं और अपने नुकीले दांतों और पंजों की मदद से अपने शिकार को घायल करते हैं। वैसे तो इनका शिकार खाली नहीं जाता, लेकिन कभी कभार हाइना को भी उनसे खतरनाक जानवर मिल जाता है। जब भी हाइना उस गेंडे के बच्चे को शिकार बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब तब गेंडा भी उसे बचाने के लिए आगे आता है। हाइना हर तरफ से इस कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी तरह से आज उनके हाथ वो बच्चा आ जाए ताकि वे अपना पेट भर सके, लेकिन गेंडे का टर्न उन्हें आगे बढ़ने से रोके हुए। ये सिलसिला काफी देर ऐसे ही चलता है और आखिर में गेंडा अपनी पूरी हिम्मत से हाइना पर हमला करने के लिए दौड़ता है। उसका आक्रामक रवैया देख हाइना को भी वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ता है। नंबर 3, हाइना मेस्ट विद जिराफ। एक जिराफ ने कुछ समय पहले ही बच्चे को जन्म दिया है।
ये मादा जिराफ अपने बच्चे के आसपास ही टहलने लग जाती है जबकि वो बच्चा खड़े होने की कोशिश कर रहा है, मगर जिराफ को इस बात का एहसास भी नहीं होता। एक हाइना शिकार की तलाश में उनकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। एक हाइना की नजर उस जिराफ के बच्चे पर होती है। वो किसी तरह से जिराफ की नजर बचाकर दबे पांव उसके बच्चे के पास पहुंच जाता है और उसे खाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जिराफ को अपना शिकार बना पाना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि जिराफ खुद को मुसीबत बने खूंखार रूप अपना लेता है और अपनी लंबी टांगों से अपने शिकारी पर हमला कर देता है। मादा जिराफ अपने बच्चे को देख लेती है और उसे बचाने के लिए दौड़कर उसकी तरफ आती है। हाइना जैसे ही अपनी तरफ बढ़ता खतरा देखता है तो वहाँ से उल्टे पैर भाग जाता है और जिराफ अपने बच्चे को उस खूंखार जानवर से बचाने में कामयाब हो जाती है। नंबर 2, हाइना मेस्ट विद लिपर्ट। हाइना बहुत ही खूंखार जानवर है और अपने शिकार को किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन जब उसका सामना एक लिपर्ट से होता है तो आलम ही कुछ और होता है क्योंकि लिपर्ट एक शिकारी जानवर है जो अपने शिकार को तड़पा कर मारता है। एक हाइना जंगल में शिकार की तलाश में निकला है जहाँ उसे सड़क के किनारे एक लिपर्ट बैठा हुआ दिखाई देता है, लेकिन हाइना को उस लिपर्ट की ताकत का पूरा अंदाजा है इसलिए वो दूर खड़ा उसे देखता रहता है लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तभी लिपर्ट को अपने पास आते खतरे का अंदेशा हो जाता है और वो बहुत तेजी से हाइना पर लपकता है। अपने ऊपर हमला होते देख के पल के लिए तो हाइना भी डरकर भागने लगता है लेकिन जल्दी वापस रुक जाता है और लिपर्ट पर गुर्राने लगता है। हाइना और लिपर्ट दोनों एक दूसरे पर बहुत देर तक गुर्राते रहते हैं लेकिन किसी की भी हिम्मत सामने वाले पर हमला करने की नहीं होती। कुछ देर में ही हाइना वहां से चला जाता है और लिपर्ट अकेला रह जाता है। नंबर 1, हाइना मेस्ट विद वॉरथॉग। यहाँ हाइना के एक बड़े ग्रुप ने एक वॉरथॉग को घेरा हुआ है। वे सभी मिलकर आज वॉरथॉग का शिकार करने की कोशिश में है लेकिन साथ ही वे ये भी जानते हैं कि वॉरथॉग भी एक खतरनाक जानवर है और समय आने पर वो खतरनाक शिकारी पर भी भारी पड़ सकता है। इसलिए हाइना झुंड में होने के बावजूद भी वॉरथॉग से दूरी बनाए हुए है। हाइना ने वॉरथॉग को चारों तरफ से घेर कर रखा हुआ है और थोड़ी थोड़ी देर में उस पर हमला करने के लिए भी आगे बढ़ते हैं, मगर वॉरथॉग अपने पर हो रहे हमले का मुंह तोड़ जवाब देता है और हाइना को अपने पास से भगा देता है। वॉरथॉग वैसे तो इन हाइना के सामने छोटा जानवर है लेकिन उसकी हिम्मत उसे यहाँ सबसे बड़ा बनाए हुए है। हाइना हर तरफ से वॉरथॉग का घेराव करने के बाद भी उसका शिकार नहीं कर पाते और उन्हें वहां से जाना ही पड़ता है। आखिर में वॉरथॉग अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है और ये साबित हो जाता है कि हिम्मत हो तो बड़े से बड़े खतरे का भी सामना किया जा सकता है। तो यहाँ एक गजेल को दो जंगली कुत्तों ने पीछे से पकड़ लिया है। दोनों ने ही इतनी मजबूती के साथ गजेल को पकड़ा है कि वो खुद को बचाने के लिए भागने की कोशिश तो करता है लेकिन दो कदम से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता। कुछ देर ताकत जुटाने के बाद गजेल एक बार फिर जंगली कुत्तों के चंगुल से भागने की कोशिश करता है लेकिन बेचारा इस बार भी नाकामयाब रहता है। वहीं दूसरी तरफ दोनों कुत्ते लगातार लगे हुए हैं उसको धीरे धीरे दोचने में और अचानक गजेल के शरीर से कुछ मांस के लोथड़े निकलने लगते हैं। गजेल खुद को संभाल नहीं पाता तो जमीन पर गिर जाता है। अभी वह मरा नहीं है लेकिन जंगली कुत्ते इसको लगातार नोचने में लगे हुए हैं। शिकार को देखकर दूसरे कुत्ते भी इस दावत का लुत्फ लेने पहुंच जाते हैं और इस तरह मजे से सब गजेल को खाना शुरू कर देते हैं जैसे कोई पार्टी चल रही हो। नंबर 8, वाइल्ड डॉग्स वर्सेस इंपाला। तालाब में एक प्रेग्नेंट इंपाला तैर रही है और इसी तालाब के किनारे पर जंगली कुत्ते उसे अपना शिकार बनाने की फिराक में। जंगली कुत्तों को देखकर इंपाला थोड़ी सहम जाती है। वो लगातार तालाब के अंदर रहकर पानी में छक्का लगाती है क्योंकि वो जानती है कि अगर वो बाहर निकलती है तो कुत्तों का शिकार बन सकती है। पानी में रहते हुए इंपाला को बहुत देर हो जाती है लेकिन उसका पानी से आना भी बहुत जरूरी है। वो कई बार पानी से बाहर निकलने की कोशिश करती है मगर किनारे पर खतरा देख फिर पानी में चली जाती है। एक समय आता है जब इंपाला पानी से निकलकर किनारे पर आ जाती है। उसे देखते ही जंगली कुत्ते उस पर टूट पड़ते हैं और घसीटते हुए तालाब से बाहर ले आते हैं। इंपाला बहुत तड़पती है मगर उन कुत्तों के आगे खुद को बेबस पाती है। कुछ ही देर में जंगली कुत्ते उस इंपाला को मार डालते हैं और उसके पेट में से उसके बच्चे को भी निकाल कर खा जाते हैं। मिसेस बफलो, अब जरा देखिए निडर कुत्तों का भैंस के परिवार से उनके बच्चे को चुरा कर उसको खाने का एक वीडियो। भैंसों का एक लंबा चौड़ा झुंड देखकर वाइल्ड डॉग्स उनके पीछे लग जाते हैं और चुपके से आसान शिकार यानी कि भैंस का एक बच्चा ढूंढ कर उस पर हमला कर देते हैं। बच्चे की जान बचाने के लिए भैंस आती है तो उनको कुछ जंगली कुत्ते मिलकर रोक लेते हैं लेकिन बच्चे की माँ फिर भी काफी कोशिश करती है अपने बच्चे को खूंखार जंगली कुत्तों से बचाने की लेकिन कुत्ते बच्चे को छोड़ने को तैयार नहीं है। जब मदर बफलो ज्यादा ही परेशान करने लगती है तो कुछ कुत्ते मिलकर उसको वहाँ से खदेड़ देते हैं और फिर आराम से भैंस के छोटे बच्चे का डिनर करते हैं। नंबर 2, वाइल्ड डॉग वर्सेस चीता। ये जानवर ऐसे हैं जो खाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी भी जानवर से भिड़ सकते हैं जैसे कि यहाँ इन 3 चीता से भिड़ गए। कुत्ते लगातार चीता के ऊपर भौंकते रहते हैं और चीता पर हमला करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चीता भी थोड़ी देर तक जंगली कुत्तों का सामना करते हैं लेकिन उनकी संख्या को देखकर उनको समझ आ जाता है कि यहाँ से जाना ही बेहतर है क्योंकि इनका सामना करना तो खुद मौत के मुंह में जाने जैसा है। इसीलिए तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। चीता के जाते ही हमेशा भूखे रहने वाले कुत्ते उनके शिकार पर टूट पड़ते हैं और आज इनको बिना मेहनत के पेट भरने के लिए खाना मिल जाता है। नंबर 1,
लेपर्ड वर्सेस वाइल्ड डॉग्स वर्सेस हाइनास वर्सेस इम्पाला। अब देखिए सबसे मजेदार वीडियो जिसमें एक तेंदुए ने एक इम्पाला का शिकार किया है, लेकिन यहाँ एक जंगली कुत्ता उसके शिकार को दबोचने के इरादे से पहुँच जाता है। तेंदुआ उसको यहाँ से भगा तो देता है, लेकिन जैसे ही तेंदुआ फिर से इम्पाला को खाने की कोशिश करता है तो वो जंगली कुत्ता अपने दूसरे साथियों के साथ यहाँ पहुँच जाता है और सब मिलकर तेंदुए पर हमला कर देते हैं। तेंदुआ अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है और कुत्ते इम्पाला को खाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में यहाँ हाइना भी पहुँच जाते हैं जो कुत्तों को पीछे हटाकर खुद इम्पाला को अपना खाना बना लेते हैं। मतलब एक शिकार के तीन दावेदार एक साथ खड़े हैं, पेड़ पर बैठा हुआ तेंदुआ और जमीन पर वाइल्ड डॉग्स। वाइल्ड डॉग्स हाइनास पर भौंकते ही रह गए और इम्पाला को हाइना सफा चट कर गए। ये तो वही बात हुई, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। इन सभी वीडियोस को देखकर ये तो साफ हो गया कि कुत्ते जितने खतरनाक दिखते हैं उससे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो बताइए कैसा लगा हाइना को अलग अलग जानवरों के आगे हारते हुए देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो जल्दी आपसे मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।